हेलो इंजीनियर साहब, आपका स्वागत है सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी, जहां सिविल इंजीनियर के करियर की बात होती है। एक सिविल इंजीनियर अपने करियर को कैसे इनहेंस कर सकता है, आज हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स आएंगे और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इंजीनियर, आप भी अगर इसी तरह से ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म को। कॉल लगाइए 9111001234 पर और पता करें अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। इंजीनियर्स, बिना देर किए कॉल लगाइए, क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड होता है। अगर आपने देर कर दिया तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स, बिना देर किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंजीनियर्स, आई एम इंजीनियर अनिकेत कुमार। यहाँ पे हम लोग आज रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सिविल गुरुजी पटना के ऑफिस से। तो चलिए हम लोग देखते हैं रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पेमेंट कितने टाइप का होता है। तो पेमेंट हम लोग का दो टाइप का होता है, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और एक रिजिड पेमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यों हम लोग एक को फ्लेक्सिबल बोलते हैं एक को रिजिड बोलते हैं। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है, इसमें मेनली हम लोग बिटुमेन का यूज करते हैं एज अ बाइंडर, और इसमें रिजिड पेमेंट में हम लोग एज अ बाइंडर हम लोग सीमेंट को यूज करते हैं। इसमें सीमेंट कंक्रीट होता है और इसमें असफाल्ट होता है। और इसका डिफरेंस देखते हैं हम लोग, इसका जो लोड ट्रांसफर होता है ये ग्रेन टू ग्रेन होता है। जैसे व्हीकल अगर रोड पे मूव करेगी तो उसका जो लोड आएगा, व्हील लोड, वो सारा ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होगा इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। और इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट ये स्लैब टू स्लैब आएगा, पहले पीक्यूसी पे आएगा, फिर डीएलसी, फिर उसको जीएसबी उसको रिड्यूस करके सबग्रेड को ट्रांसफर करेगा, फिर ग्राउंड में जाएगा, ऐसे ट्रांसफर होता है। फिर देखते हैं और इसका डिफरेंस। तो इसका फ्लेक्सिबल पेमेंट का लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सस्ता में ये बन जाता है ये रोड। और जो अपना रिजिड पेमेंट होता है, थोड़ा हाई कॉस्ट होता है, हाई इनिशियली इसमें ज़्यादा पैसा लगता है बनाने के लिए। और फ्लेक्सिबल में हाई मेंटेनेंस होता है, कॉस्ट तो कम होता है इनिशियल कॉस्ट बनाने का, लेकिन इसका मेंटेनेंस ज़्यादा करना होता है हम लोग को। रोड जल्दी टूट जाता है, पिट होल्स हो जाते हैं। और स्लैब टू स्लैब इसमें रिजिड पेमेंट में वही जस्ट अपोजिट हो जाता है, उसका इनिशियल कॉस्ट हाई होता है बट उसका मेंटेनेंस लो होता है। और ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है, मेंटेनेंस कम होता है प्लस ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। लगभग 30 साल तक बिना मेंटेनेंस या फिर लो मेंटेनेंस पे भी ये लगभग 30 साल तक मतलब ये ड्यूरेबल रह जाता है। और ये फ्लेक्सिबल पेमेंट अपना 3 से 5 साल में मतलब ये मतलब मेंटेनेंस भी मांगता है और ये पिट होल्स भी हो जाते हैं इसमें। और इसमें 5 लेयर्स होते हैं और इसमें 4 ही लेयर्स होते हैं, इसमें WMM नहीं होता है जो कि इसमें एक्स्ट्रा एक होता है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को जो मिलता है वो NGL होता है। फिर NGL को हम लोग वहाँ पे प्रोफाइल लेबलिंग करके सर्वे करके देखते हैं कि कहाँ पे कटिंग होगा, कहाँ पे फिलिंग होगा। फिर उसको कटिंग और फिलिंग परफॉर्म करने के बाद हम लोग को मिलता है OGL। उसके बाद हम लोग एम्बैकमेंट बनाते हैं। एम्बैकमेंट बनाने का पर्पस होता है कि हम लोग को जो साइड में रोड के जो दोनों साइड जो ये होगा ग्राउंड होगा वो मतलब लोअर पोर्शन पे रहे और रोड जो अपना होगा हाई एलिवेशन पे रहे, ताकि वो उस पर पानी ना आए और खराब ना हो रोड इसके वजह से, और ड्रेनेज प्रॉपर मतलब हम रोड को दे पाए कैम्बर के थ्रू। इसलिए हम लोग उसमें एम्बैकमेंट बनाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अगर बिटुमिन अगर यूज करेंगे रोड में ज्यादा, अगर ऊपर वाला सर्फेस पे अगर बिटुमिन अगर प्लेस करेंगे तो रोड बहुत कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि बिटुमिन महंगा होता है। इसलिए हम लोग नीचे में एम्बैकमेंट देते हैं। एम्बैकमेंट उसके बाद फिर हम लोग सबग्रेड का लेयर देते हैं जो कि 500 mm का होता है। इसका जो सबग्रेड का जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स वो 50 mm से ज्यादा बड़ा साइज का नहीं होना चाहिए, और इसका जो CVR वैल्यू होता है नॉट लेस देन 5%, मतलब 5% से कम नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा चलेगा जितना भी ज्यादा हो। और हम लोग एम्बैकमेंट में जो हम लोग फिल करते हैं मटेरियल, वो लोकल कहीं से भी मतलब जो भी सॉयल अवेलेबल होता है उसको हम लोग फिल करा सकते हैं। और जो सबग्रेड का जो लेयर हम लोग इसमें फिल करते हैं, इसमें हम लोग कोई भी कुछ भी फिल कर सकते हैं मतलब पार्टिकल्स, लेकिन इसमें जो भी हम लोग ये सैंड जो भी फिल करेंगे वो ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं होना चाहिए और कोई भी ऑर्गेनिक सॉइल नहीं होना चाहिए, ताकि मतलब वो फिर बाद में वो फट जाता है, उसमें मतलब मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वो फिर बाद में एवापोरेट होगा तो वो पूरा फट जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं केवाल मिट्टी। वो जो ब्लैक मिट्टी होता है वो जब जिससे उससे मॉइस्चर निकलता है तो वो फिर ब्रेक हो जाता है, इसके वजह से हम लोग सबग्रेड में उसको यूज नहीं करते। फिर हम लोग उसके ऊपर GSB का लेयर डालते हैं जो कि 150 से 200 mm होता है।
और इसमें हम लोग तीन ग्रेड का एग्रीगेट यूज करते हैं। ग्रेड वन जो होता है वो 75 mm तक लेते हैं, और ग्रेड टू होता है वो 53 mm, और ग्रेड थ्री 26.5 mm तक होता है। उसके ऊपर हम लोग वेट मिक्स मैकेडम जो यूज करते हैं WMM, इसका रीजन होता है कि ये हाईली कॉम्प्रेस किया जा सके, इसलिए हम लोग इसमें पानी मिलाते हैं। उसके ऊपर हम लोग DBM ये करते हैं, DBM का लेयर लगाते हैं, डेंस बिटुमिन मैकेडम, डेंस बिटुमिनस मैकेडम हम 50 से 100 mm देते हैं। इसका रीजन ये होता है कि हम ऊपर वाला जो लेयर है उसमें बिटुमिन कंटेंट होता है, तो बिटुमिन कंटेंट जिस भी चीज में हो अगर उसको हम लोग लेयर में ही करते पेव करते हैं तो उसको बिटुमिन सरफेस पे ही करते हैं, नॉन बिटुमिनस सरफेस पे उसको नहीं कर सकते हैं, इसी के लिए हम लोग डेंस बिटुमिनस मैकेडम देते हैं। और उसके ऊपर फिर हम लोग बिटुमिनस कोर्स देते हैं 40 से 75 mm का। और GSB और WMM के बीच में हम लोग एक थीन एक हम लोग ये करते हैं कोट करते हैं, प्राइम कोट करते हैं, ताकि इसमें वेट मिक्स मैकेडम में जो वाटर कंटेंट होता है मॉइस्चर वो नीचे आके GSB को मतलब हार्म ना कर सके, इसलिए हम लोग इस पर प्राइम कोट करते हैं। और सेम इसके ऊपर भी करते हैं, पहले हम लोग प्राइम कोट करते हैं एक लेयर, ताकि कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो वाटर है वो ऊपर ना आ पाए, इसलिए यहाँ प्राइम कोट करके इसको सील कर देते हैं। और उसके ऊपर प्राइम कोट के ऊपर फिर हम लोग टैग कोट करते हैं, ताकि जो DBM है डेंस बिटुमिनस मैकेडम ये अच्छे से बॉन्ड बना सके WMM के साथ, इसलिए हम लोग टैग कोट इसके ऊपर करते हैं ताकि अच्छा बॉन्ड बन सके। और उसके बाद फिर हम लोग बिटुमिन कोर्स के ऊपर भी एक ये करते हैं कोटिंग कर देते हैं, सील कोट बोलते हैं उसको, ताकि जो अगर रेनफॉल हो तो उसका वाटर जो होता है वो अंदर ना जा सके, और अंदर अगर जाएगा तो ये बिटुमिन रोड जो होता है ये मतलब बहुत ज्यादा मतलब हाईली रेसिस्टेंट नहीं होता है वाटर को लेकर, तो उसे मतलब रोड हम लोग का खराब हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको सील कोट देते हैं इस पे। उसी तरह हम लोग आते हैं रिजिड पेमेंट में, कि रिजिड पेमेंट में कौन कौन सा लेयर होते हैं, तो रिजिड पेमेंट में भी सेम वैसे ही एम्बैकमेंट हम लोग बनाते हैं, पहले प्रोफाइल लेबलिंग करके कटिंग और फिलिंग करते हैं, उसके बाद फिर एम्बैकमेंट देते हैं, एम्बैकमेंट के ऊपर फिर हम लोग सबग्रेड का लेयर देते हैं 500 mm का। इसका जो सबग्रेड का जो 500 mm का जो लेयर होता है इसमें इसका जो हम लोग का CVR वैल्यू होना चाहिए वो 8% से कम नहीं होना चाहिए, वही यहाँ पे हम लोग का था 5% से कम नहीं होना चाहिए, 5% से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे ये 8% से ज्यादा होना चाहिए। और इसके ऊपर फिर हम लोग GSB का लेयर देते हैं 150 से 200 mm का। और उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर एक सीट लगाते हैं, सेपरेशन मेम्ब्रेन होता है, एक PVC होता है ये का मेम्ब्रेन होता है, इसको इस पे हम लोग लगाते हैं और DLC और इसको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ये ड्राई लीन कॉन्क्रीट होता है और GSB होता है, दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में हम लोग सेपरेशन मेम्ब्रेन यूज करते हैं, ये PVC का होता है और ये 125 माइक्रोन तक होता है, इसका जो थिकनेस होता है वो 125 माइक्रोन तक होता है। फिर हम लोग ड्राई लीन कॉन्क्रीट का 100 से 150 mm का ये देते हैं लेयर देते हैं, और उसके बाद फिर PQC देते हैं, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट देते हैं 300 mm का। तो ये PQC से हम लोग DLC को थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं, इधर साइड में एक्सटेंड कर देते हैं, अगर हम लोग मशीन के थ्रू अगर पेव कर रहे हैं इसको, पेविंग मशीन से अगर हम लोग PQC को पेव कर रहे हैं तो हम लोग DLC को 500 mm तक बढ़ाते हैं, ये जो होगा एक्स्ट्रा जो एक्सटेंड करेंगे ये 500 mm तक करेंगे दोनों साइड। और अगर इनकेस अगर हम लोग मैनुअली करते हैं तो मैनुअली या फिर सेमी मैनुअली करते हैं तो उसमें हम लोग 200 mm ही देते हैं ये, ताकि वो जो पेविंग मशीन जो होता है वो अच्छे से मतलब यहाँ पे फंक्शन कर पाए, वहां पे चल पाए, इसके लिए हम लोग उसके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं यहाँ पे। और ये फिर हम लोग PQC देते हैं 300 mm का। तो ये था हम लोग का रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, और फिर मिलते हैं हम लोग और भी इससे भी डिटेल्ड वीडियो में रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे इसको और भी डिटेल में, जिसमें हम लोग कैम्बर वगैरह जितना कैसे रिड्यूस करते हैं, कैम्बर को कैसे रिड्यूस करके हम लोग निकालते हैं, बाकी सारा कुछ हम लोग डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करके लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।